गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज माई बेड लुक लाइक. मैंने अभी तक बेड नहीं ठीक किया बिकॉज आज मुझे ये बेडशीट चेंज करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा. तो मैं सोच रही सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, देन ब्रेकफास्ट करके पेट पूजा करके देन आई विल मेक माई बेड. सो या गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बेड लगाना इट्स नॉट ए ईजी टास्क गाइस, स्पेशली ये बेड लगाने में मुझे बहुत टाइम लगता है एंड मैं थक जाती हूँ.
मन तो नहीं कर रहा है कि मैं उठूँ, बट आज मुझे बहुत काम है और ऐसे लेटर होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा जो बड़ा प्लांट है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसको मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अच्छे से धो देती हूँ, बट आज उतना टाइम नहीं है तो मैं उसको यहीं पे जस्ट थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। सो गाइज, बेडरूम का काम मेरा हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने, बिकॉज आई एम फीलिंग लिटिल बिट हंग्री एंड लंच का टाइम भी हो गया है। सो या लंच बनाते हैं फिर खाते हैं और क्या। तो लंच बनाने से पहले मुझे ना, अगर मैं गाना सुनती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो मैं अभी लैपटॉप में गाना लगा के गाना सुनूंगी एंड मैं खाना बनाऊँगी। सो गाना प्ले होते मेरे अंदर ना एक भूत आ जाता है एंड आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसे पागल की तरह डांस करती रहती हूँ लिरिक्स के सत्यानाश करते हुए बाय द वे। एंड मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं अकेले मैं ऐसे डांस करती हूँ, गाना सुनती हूँ, एंड गाना सुनती हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा एनर्जी फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब कुछ भी काम कर सकती हूँ। सो मैंने चावल ले लिया है इसमें, एक ग्लास में हाफ ग्लास चावल लिया एक्चुअली, और मैं इसी में चावल बनाती हूँ। लेट्स स्टार्ट।
मैं जस्ट सॉटे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पका नहीं रही हूँ, जस्ट नॉर्मली थोड़ा सा हाफ पका रही हूँ मतलब। And here is my healthy and delicious lunch. Guys, I'm so proud of myself. मैं एकदम मास्टर शेफ में जाने के लिए रेडी हूँ ऐसा लग रहा है. I make very colorful, beautiful, healthy and tasty lunch, guys. सच में आप घर पे ट्राई करके देखना, इसमें भले ही मैंने कोई मसाला नहीं यूज किया, कुछ नहीं किया, और ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छा लगता है. मैं ये सेकेंड टाइम खा रही हूँ. टंटना, लंच डन. सो इट्स नाउ टाइम टू क्लीनिंग. कितना ज़्यादा ये कुछ ऑयल वॉयल कुछ गिरा है. मेन तो यहाँ पे है बेसिन में मेरे डिश वॉश करना, ये सब क्लीन करना. सो लेट्स डू इट. मैंने चेंज कर दिया, कॉटन का क्लोथ लिया क्लीनिंग करने के लिए. वो पिंक वाले से बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था. And now it's time to take some rest and after that I'll make my dinner. By the way guys, ये video बहुत लंबा हो गया, please excuse for that. एक्चुअली कढ़ाई में पहले से ही तेल था, मैंने ढक के रखा था एंड उसी तेल में मैं अभी फ्राई करूँगी.
सो देसी घी में थोड़ा सा गार्लिक दे के मैंने बर्गर बन को टोस्ट किया सो दैट वो गार्लिक ब्रेड वाला जो फ्लेवर है ना वो फ्लेवर आए. सो गाइज इट वॉज काइंड ऑफ लाइक डाइट बर्गर बिकॉज मैंने यहाँ पे चीज़ या फिर मियोनीज कुछ भी ऐड नहीं किया. ये मैंने आपके सामने ही बनाया बट स्टिल ये खाने में बहुत टेस्टी था. मैंने क्या हालत किया है टेबल का. सो गाइज दैट्स इट फॉर ओके. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. अगर अच्छा लगा देन लाइक बटन भी प्लीज प्रेस कर दीजिएगा एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें. मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो मिस करें. एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.